क्या आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा लोग मुझे कौन सी सिटी से फॉलो करते हैं? नंबर वन पिशावर, नंबर सेकंड अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब मैंने खुद देखा तो मैं भी हैरान हो गया। नंबर टू वो सिटी है जहां कभी जिंदगी में मैं नहीं गया हूं, वो सिटी है कराची। कराची की इतने सारे लोग फॉलो करते हैं और अभी तक मैं गया नहीं हूँ, तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं कराची जा रहा हूँ और मेरी दोस्त की शादी है, तो ऑब्वियसली घूमना फिरना थोड़ा सा कम होगा लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ होंगी। कराची कैसे होगा जो न्यूज़ में है हम देखते हैं, कराची वैसे होगा या डिफरेंट होगा? तो इसके लिए अगर आप लोगों को जानना है ना भैया, तो ये व्लॉग आपने आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह विल सी यू इन कराची। दूसरी बात, अगर आप मुझसे पूछे ना कि इस्लामाबाद में सबसे फेवरेट जगह आपकी कौन सी है, तो वो ये है, वेलकम टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रीज़न यही है कि जब भी यहाँ आता हूँ तो पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अ क्विक शार्ट आउट टू सबसे सस्ता टिकट.com। मैं जब भी ट्रेवल करता हूँ तो सबसे पहले जाता हूँ सबसे सस्ता टिकट.com पे। टिकट अच्छे भी मिलते हैं, बेहतरीन भी मिलते हैं, प्राइस में भी अच्छे मिलते हैं और सर्विसेज कमाल की। फ्लाइट से पहले यार यहाँ पे ग्रीन टी पीनी है और ग्रीन टी के साथ कुछ भी नहीं खाना क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। सो गॉट माई बोर्डिंग पास। बाहर दुनिया में बहुत रेयर होता है कि आपकी फ़्लाइट डिले हो और पाकिस्तान में बहुत रेयर होता है कि आपकी फ़्लाइट ऑन टाइम हो। यहाँ पे भी वही मसला है, तकरीबन एक घंटा फ़्लाइट लेट। वेलकम टू कराची। तो जनाब इस वक्त पहुंच चुका हूं कराची और कराची में मेरे पुराने गुनहगार दोस्त नदीम जान और नदीम जान के अलावा इमरान जान। और पता है मैं कराची क्यों आया हूं? इसे एक बंदी के डर की वजह से, इसकी शादी थी, मैंने बहुत बहाने बना लिए और इसने कसम उठाया अगर तू आए नहीं तो मैं निकाह नहीं करूंगा, सीधा इस्लामाबाद आऊंगा और डर को लेकर आऊंगा। इस डर की वजह से कराची पहुंचा हूं, लेकिन कराची ने जिस तरीके से इस्तकबाल किया है, जो मौसम है यहाँ पे वो कमाल का है। भाई की शादी है और जब यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, आप सोच सकते हो कि कितने मजे आने वाले। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेट्स गो।